अस्सलामु अलैकुम, यू आर लिसनिंग टू मलिक शहज़ाद। इस लेक्चर में हम PDA को डिस्कस करेंगे। PDA का मतलब क्या होता है? पुश डाउन ऑटोमेटा, ठीक है। और PDA की जो सा है, टू टाइप्स होती हैं, एक सिंपल PDA और सेकंड वन को कहते हैं कम्प्लेक्स PDA। अच्छा, अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ अपने नोट्स से। तो मैंने आपको बताया कि PDA का मतलब होता है पुश डाउन ऑटोमेटा, ठीक है। और इसकी टू टाइप्स होती हैं, एक सिंपल PDA और एक होती है नॉन सिंपल, यानी कि इसको हम कम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों टाइप्स में डिफरेंस ये है कि देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट स्टैक, कि जो सिंपल PDA होता है इसमें स्टैक नहीं होता, ठीक है। और जो नॉन सिंपल होता है यानी कि कम्प्लेक्स होता है, उसके अंदर उसमें स्टैक यूज़ होता है, ठीक है। ये इन दोनों में डिफरेंस है। लेकिन उससे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो स्टैक है ये क्या चीज़ होती है। तो चलें, स्टैक ये होता है कि देखें, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये एक ऐसी मेमोरी लोकेशन होती है जो कि वन साइडेड होती है, यानी कि आप अगर डाटा किसी चीज़ के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, स्टैक में आप डाटा डाल रहे हैं, तो आप जब डाटा निकालेंगे तो उसी साइड से डाटा निकालेंगे। इसकी बेस्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं कि शॉपर जो सा होता है, इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि सपोज करें मेरे पास चार बुक्स हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स और प्रोग्रामिंग की, ठीक है, चार बुक्स हैं। तो मैं क्या काम करता हूँ, शॉपर लेता हूँ, उसके अंदर सबसे पहले केमिस्ट्री की बुक डालता हूँ, फिर फिज़िक्स की डालता हूँ, फिर मैथ्स की डालता हूँ और फिर जो थी इंग्लिश की बुक डालता हूँ, ठीक है। तो अब ये आप देखें कि मैंने बुक्स डाल दी शॉपर के अंदर, ठीक है। तो अब जब मैं बुक्स को निकालूंगा शॉपर में से, तो सबसे पहले मेरी इंग्लिश की बुक निकलेगी, ठीक है, उसके बाद फिज़िक्स की निकलेगी, फिर जो सी है मैथ की निकलेगी और उसके बाद केमिस्ट्री की निकलेगी। यानी कि जो मैंने सबसे पहले बुक शॉपर में डाली थी वो सबसे लास्ट में निकलेगी। तो स्टैक ये होती है, एक ऐसी मेमोरी लोकेशन होती है जिसके अंदर हम डाटा को रखते हैं। ये मैंने आपको बुक्स की एग्जांपल दी है, आप बुक्स को जो सा है डाटा समझ लें, ठीक है, और शॉपर को आप जो सा है मेमोरी लोकेशन समझ लें, एक स्टैक समझ लें। तो इस तरीके से हम डाटा को उसके अंदर डालते हैं, यानी कि हम जो सा सबसे पहले डाटा उसके अंदर जाता है वो सबसे लास्ट में आउट होता है, तो इसको स्टैक कहते हैं। अच्छा, इससे पहले हम थोड़ी सी जो सा है बैक से रिवीजन कर लें, उससे आपको ये टॉपिक ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है FA का मतलब है फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा का क्या मतलब है? फाइनाइट ऑटोमेटा का मतलब है कि जो हमने इससे पहले कवर किए हैं, इससे पहले हमने पढ़े हैं NFA और DFA, उसको हम फाइनाइट ऑटोमेटा कहते हैं। कहता है कि वो किस लिए यूज़ होते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा किस लिए यूज़ होता है, ये लैंग्वेज को टेस्ट करने के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा यूज़ होता है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट। अच्छा, ये कौन सी मशीन्स होती हैं फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट? वो हमने पढ़ी है मूर मशीन और मिली मशीन, जो हमने पढ़ी हैं ये फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट में आती है। ये किस लिए यूज़ होती हैं? ये होती हैं स्ट्रिंग को टेस्ट करने के लिए। FA जो यूज़ होता है वो लैंग्वेज को टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है, और जो फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट मूर और मिली मशीन जो होती हैं वो स्ट्रिंग को टेस्ट करने के लिए यूज़ होती हैं। तो अब बात आती है हमारे पास PDA की। तो PDA किस लिए यूज़ होता है? PDA जो होता है लैंग्वेज को भी इससे हम टेस्ट कर सकते हैं और हम इससे स्ट्रिंग को भी टेस्ट कर सकते हैं। देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर बोथ, यानी कि स्ट्रिंग को भी टेस्ट कर सकता है और लैंग्वेज को भी टेस्ट कर सकता है। तो मैंने आपको बताया था इसकी दो टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले हम जो एक टाइप है इसकी सिंपल वाली, वो हम पढ़ेंगे, ये सीखेंगे, उसके बाद हम कम्प्लेक्स टाइप पर जाएंगे इसकी। अच्छा, जो आपकी सिंपल PDA है, सिंपल PDA के बारे में लिखा हुआ है कि ये इससे जो सा है सिर्फ हम स्ट्रिंग्स को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, इससे जो सा है हम सिर्फ स्ट्रिंग्स को टेस्ट कर सकते हैं। जबकि जो नॉन सिंपल है, जो कॉम्प्लेक्स है, उससे हम स्ट्रिंग को भी टेस्ट कर सकते हैं और उससे लैंग्वेज को भी, यानी कि बोथ को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हमने जो सा इसमें पढ़ना है सिंपल PDA, तो उसके लिए लास्ट, इससे पहले आपने पढ़ा होगा DFA, तो ये हमेशा DFA की तरह होता है। सिंपल सी बात है कि DFA में हम स्टेट्स बनाते हैं, तो यहाँ पे हम स्टेट्स नहीं बनाते, यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे हम सिंबल्स यूज़ करते हैं, रीड और राइट के सिंबल्स यहाँ पे यूज़ होते हैं। और जी, ये होता है आपका सिंपल PDA।
इसमें आपको क्वेश्चन किस तरह का आएगा, क्वेश्चन आपको इस तरह का आ सकता है कि वो एक आपको इस तरह का DFA बना हुआ दे सकता है और वो आपको कहेगा कि इसका आप सिंपल PDA बना दो, ठीक है। या तो फिर आपको वो क्वेश्चन में कोई रेगुलर एक्सप्रेशन दे देगा, तो उसका पहले आपको DFA बनाना पड़ेगा और उसके बाद फिर आप उसका PDA बनाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास देखें DFA तो हम पढ़ चुके हैं पीछे, ठीक है, तो DFA इसलिए बना हुआ मैंने किया है यहाँ पे, तो DFA बना हुआ है उससे हमने सिंपल PDA बनाना है। सबसे पहला हमने काम क्या करना है कि DFA की स्टेट्स काउंट करनी है कि कितनी है। इसमें देखें कितनी स्टेट्स हैं, 1, 2 और 3। जितनी हमारे पास स्टेट्स होंगी उतने हमने रीड के सिंबल्स बना लेने हैं। ये जो सिंबल आपको नज़र आ रहा है ये इसको रीड का सिंबल कहते हैं। तो 3 स्टेट्स थी, 1, 2 और ये 3, 3 रीड की स्टेट्स आ गई हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हर सिंपल PDA है, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स PDA, जो भी PDA है उसके अंदर कोई ना कोई स्टार्ट स्टेट लाजमी होती है। तो ये देखें, ये स्टार्ट के लिए ये वाला सिंबल होता है, स्टार्ट वाला लाजमी होता है। अगर हम स्टार्ट वाला यूज़ ना करें तो फिर उससे हमें पता नहीं चलेगा कि ये PDA स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो इसलिए स्टार्ट का सिंबल लाजमी होता है। और ये स्टार्ट का सिंबल यहाँ से स्टार्ट होके इसकी लाइन हमेशा रीड वाले जो सिंबल होता है उस पे जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या काम करना है, उसके बाद आपने ये काम करना है कि आपने देखना है कि कौन कौन सी स्टेट है DFA में जिसमें प्लस आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये वाली स्टेट है और ये वाली स्टेट है, 2 स्टेट्स में प्लस आ रहा है। तो जिसमें प्लस आ रहा होता है उसके लिए हम एक्सेप्ट का सिंबल यूज़ करते होते हैं। तो इन दो में प्लस का सिंबल आ रहा था, ये लास्ट वाली है, यहाँ से इस लास्ट वाली के साथ मैंने एक सिंबल बनाया, एक लाइन खींची और यहाँ पे एक्सेप्ट का मैंने सिंबल बना दिया, ठीक है, और साथ में डेल्टा लिख दिया। अच्छा, और एक इस स्टेट में भी प्लस था तो इसके साथ मैंने क्या काम किया, देखें ये रीड के सिंबल के साथ एक और मैंने एक्सेप्ट का सिंबल बना दिया, ठीक है, और उसके अंदर एक्सेप्ट लिख दिया और देखें साइड पे डेल्टा लिख दिया, ठीक है। तो ये आप काम करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने क्या काम करना है कि तो हमने देखना है कि कौन सी ऐसी स्टेट है जिसमें प्लस नहीं आ रहा। तो जिस इस स्टेट में प्लस नहीं आ रहा, जिस स्टेट में प्लस नहीं आ रहा होता तो उसके साथ हम रिजेक्ट लगाते होते हैं। तो इस वाले की स्टेट का ये वाला रीड वाला सिंबल था तो इसके साथ हमने सिंपल रिजेक्ट का सिंबल बना दिया, ठीक है, और साथ में डेल्टा लिख दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिसके अंदर प्लस आ रहा होता है या जो फाइनल स्टेट होती है उसके साथ हम एक्सेप्ट का सिंबल लगाते हैं, रीड वाले सिंबल की बात कर रहा हूँ, और जिसके साथ माइनस होता है उसके साथ हम रिजेक्ट लगाते हैं और साथ में डेल्टा सबके साथ लिख देते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने क्या चीज़ करनी है, उसके बाद हमने देखना है ये वाली जो स्टेट है उसका ये वाला रीड सिंबल है, तो हमने देखना है कि इससे कितने एरोज जनरेट हो रहे हैं और कौन सी स्टेट पर जा रहा है, ठीक है। तो देखें इससे 2 एरोज जनरेट हो रहे हैं, एक ये वाला ए और एक ये वाला बी, ठीक है, जो कि इस पे जा रहा है। लेकिन ये वाला जो है ये इससे जनरेट नहीं हो रहा, ये इस वाली स्टेट से जनरेट हो रहा है और इस पे आ रहा है, लेकिन इससे 2 ही जनरेट हो रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। अच्छा, इस स्टेट का जो एरो है मेरे पास, सॉरी इस स्टेट का जो रीड सिंबल है वो ये है, ठीक है। तो देखें इससे जो ए जनरेट निकल रहा था वो इसी के ऊपर आ रहा है वापस, और ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें मैंने क्या काम किया, सिंपल वही बात है कि यहाँ से लाइन स्टार्ट की है और इसके ऊपर ही वापस ले आया हूँ, यहाँ पे लाइन के साथ मैंने इसको ला के जोड़ दिया कि इसके ऊपर ही वापस आएगी ये लाइन, ठीक है। अच्छा, इससे दूसरा जो एरो निकल रहा है वो इस स्टेट पे आ रहा है, इस स्टेट का जो सिंबल है वो ये वाला है। अच्छा, इससे इधर आ रहा था बी को रीड करके, तो मैंने एक लाइन खींच दी इससे यहाँ पर यहाँ तक और बी को रीड करते हुए यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है। इस वाले स्टेट के दोनों सिंबल्स पूरे हो गए हैं मेरे पास। अच्छा, आप आते हैं इस वाले स्टेट के कि इस वाले स्टेट के कितने जून से हैं मेरे पास एरोज हैं। सबसे पहला एरो है इस वाले स्टेट से इस वाली स्टेट पे आ रहा है, तो मैंने क्या काम किया, इस वाली स्टेट से ए का एरो निकाला और वापस इस पे लेके आ गया, ठीक है। ये वाला जो सा ए इस स्टेट से ये वाला यहाँ पर आ रहा था ये तो हो गया। अब इस स्टेट से देखें बी भी निकल रहा है, बी निकल के तीसरी स्टेट पर जा रहा है, ठीक है। तो तीसरी स्टेट का जो रीड का सिंबल है वो ये वाला है, तो मैंने क्या काम किया यहाँ से सिंपल रीड वाला एक बी की लाइन खींची और यहाँ पे बना दी। तो ये मेरे पास सिंपल PDA मेरे पास कंप्लीट हो गया है। आई होप सो आपको समझ आई होगी, लेकिन अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको
इसके फर्दर डिटेल्स से या आपको कुछ ना कुछ और करके किसी ना किसी तरीके से आपको समझा दूंगा। अच्छा, इस तरह का आपके पास एक और मैंने कहा था क्वेश्चन आ सकता है कि आपको रेगुलर एक्सप्रेशन बना हुआ देगा और आपको फिर कहेगा इसका सिंपल पीडीए बना दो। तो ये देखें, ये आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन है, कहेगा इसका आप पीडीए बना दें, ठीक है, सिंपल पीडीए। तो इसका सबसे पहले हमने डीएफए बनाना है। डीएफए बनाने का एक बहुत आसान तरीका है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने देखना है कि कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जिसके ऊपर स्टार नहीं आ रहा। तो अगर हम इस रेगुलर एक्सप्रेशन को देखें तो इसके ऊपर ये एक ए है और ये मेरे पास यहाँ पे बी है, इन दोनों पे जो सा स्टार नहीं आ रहा, इनको कहते हैं कांस्टेंट टर्म। यानी जिसके ऊपर स्टार नहीं आ रहा होता हम उसको कहते हैं कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म को बनाते हैं उसके ऊपर। तो ये मैंने इनिशियल स्टेट लगाई है और ये कोर स्टेट लगाई है, यहाँ से ए रीड हो रहा है, ठीक है, और दूसरी कॉन्स्टेंट टर्म मेरे पास बी है। तो मैं बी के लिए लाइन खींचूंगा और एक और स्टेट बनाऊंगा। तो ए और बी मेरे पास आ गए हैं। अब बाकी मैंने आपको पता है डीएफए में हर स्टेट पे से दो एरो निकलने चाहिए, ठीक है। तो जिस स्टेट पे एरो कम होगा मैं उस पे वो एरो कंप्लीट कर दूंगा। देखें, इस वाली स्टेट के ऊपर ए तो निकल रहा था पहले से, बी नहीं था, तो मैंने एक बी का लूप खींच दिया इसके ऊपर, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पे आते हैं। इस स्टेट पे देखें, मेरे पास बी का एरो ये वाला निकल रहा था यहाँ पे, लेकिन ए का नहीं था, तो मैंने इसके ऊपर ए का लूप बना दिया। इसके भी दो एरो पूरे हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। अच्छा, आप तीसरे पे आते हैं, तो यहाँ पे कोई भी एरो नहीं था, तो मैंने क्या काम किया कि इसके ऊपर बी का एरो बनाया, एक एरो हो गया और एक एरो को इसके ऊपर खींच के ले गया, तो दूसरा एरो भी कम्प्लीट हो गया। अच्छा, आप आपके यहाँ पे क्वेश्चन माइंड में घूम रहा होगा कि मैंने ए और बी, ए कोमा बी मतलब इसके ऊपर ही भी लगा सकता था, तो ए को वापस क्यों इधर लेके गया हूँ पिछली स्टेट पे। वो इस वजह से क्योंकि अगर आप डी रेगुलर एक्सप्रेशन पे गौर करें तो वो कहता है कि ऐसी लैंग्वेज है कि जिस जो कि हमेशा एंड बी से होती है, ठीक है। तो अगर मैं इधर ए कोमा बी लिख देता, ठीक है, तो वो फिर ए से भी एंड हो सकता था। इस वजह से यहाँ पे कंडीशन थी कि ऐसी लैंग्वेज है जो कि हमेशा बी से एंड होगी, तो मैंने उस बी का लूप लगाया, ठीक है, और ए इधर नहीं यूज़ किया फाइनल टर्म पे, कि अगर इधर ए आ जाए तो वो वापस इधर इस स्टेट पे आ जाएगा। तो कभी भी इस मुझे ये वाली लाइन यूज़ करने से कभी भी जो सा है वो फाइनल स्टेट पे ख़त्म नहीं होगा, ए पे कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये आपके पास डी एफ ए आ गया है, अब हमने इसका पी डी ए बनाना है, सिंपल पी डी ए। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, स्टेट्स काउंट करनी है डी एफ ए की, एक दो और तीन, ठीक है, उतने मैंने रीड सिंबल बना लेने हैं, एक दो और ये तीन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको बताया था मैंने कि हम स्टार्ट का सिंबल बनाते हैं और उससे सीधी लाइन खींच के रीड के सिंबल पे ले आते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने ये देखना होता है कि कौन सी स्टेट है जिसके ऊपर प्लस का निशान है और कौन सी पे प्लस का निशान नहीं है। तो प्लस का निशान इस वाली पे था, ये वाली स्टेट है, तो यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट का लगा दिया निशान, ठीक है, एक्सेप्ट का सिंबल यूज़ कर लिया और साथ डेल्टा यूज़ कर लिया। अच्छा, यहाँ पे और यहाँ पे प्लस का निशान नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी रिजेक्ट आएगा और यहाँ पे भी रिजेक्ट आएगा और इनके साथ नल हम लिख लेंगे, ठीक है। अब सिंपल आपने का काम करना है कि देखना इस स्टेट से आपके एरो कौन सी स्टेट पर जा रहे हैं, आपने एरो बना लेना है। देखिए, इससे बी निकल के जा रहा था, तो आपने क्या काम किया, इस स्टेट से बी निकल के इसी पे आ रहा था, तो मैंने इसी पे डाल दिया इसको, ठीक है, इस लाइन के साथ इसको जोड़ा है कि जो कि इसी के साथ कनेक्ट होगी दोबारा। सेकंड, हमारे पास इस स्टेट से इस दूसरी वाली स्टेट पे ए रीड करके जा रहा है, इस स्टेट से मैंने इस स्टेट पे ए रीड करके, ये ए है, रीड करके भिजवा दिया। इस स्टेट के दोनों निशान पूरे हो गए, दोनों एरोस पूरे हो गए। अब इस स्टेट की बारी आती है, मैं देखूंगा इस स्टेट से कितने सिंबल्स निकल रहे हैं। एक सिंबल निकल रहा था मेरे पास, ये देखें, ए का लूप है, वो इसी स्टेट के ऊपर आ रहा है, तो मैंने इस स्टेट से ये लाइन खींची और इसी उस लाइन के साथ मिला दी जो कि इसके साथ आगे कनेक्ट हो रही थी, ये ए का लूप हो गया। अब इस स्टेट से इस स्टेट के ऊपर बी की लाइन जा रही है, ठीक है, तो मैंने इस स्टेट से इस पर एक लाइन खींची और ऊपर बी लिख दिया, ठीक है। और लास्ट वाली स्टेट जो सी है उससे देखें, बी का लूप है इस वाली स्टेट के ऊपर। मैंने क्या काम किया, ये वाली आप लाइन देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इस लाइन से इसको कनेक्ट कर दिया जो कि इसी के ऊपर आ रही थी, ठीक है, और लास्ट में एक ए इससे निकल के इस पे आ रहा था, तो
तो मैंने क्या काम किया, इस वाली स्टेट से ये एक ही लाइन खींची यहाँ पे और इस लाइन से कनेक्ट कर दी जो कि दूसरी वाली स्टेट पे, यानी इस वाली स्टेट का ये सिंबल था इस वाली स्टेट पे आ रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सिंपल पीडीए समझ आया होगा। तो जो कम्प्लेक्स पीडीए है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं इसका।